हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार ब्लॉग इंडिया के एक नए एपिसोड में। और आज हम चला रहे हैं महिंद्रा की बोलेरो नियो। बोलेरो नियो लेटेस्ट एसयूवी है महिंद्रा की, और बोलेरो के नाम से आपको लग रहा होगा ये बोलेरो पे बेस्ड है, बट ये सच नहीं है। ये टीयूवी 300 का ही एक नया अवतार है। टीयूवी 300 को अब बोलेरो नियो में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका जो अंडरपिनिंग्स है, जो इसका प्लेटफॉर्म्स है, वो वही है जो कि थार और स्कॉर्पियो में भी यूज होता है। और ये आती है M-Hawk 100 BHP डीजल इंजन के साथ। ये 3 सिलेंडर 1.5 लीटर का इंजन है। इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताएंगे कि चलने में कैसी है, इसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, इसका कंफर्ट, फीचर, स्पेस और हमारे क्या इंप्रेशन हैं इस कार को लेके, क्या आपको ये कंसिडर करनी चाहिए और क्या ये बोलेरो है, इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन के साथ और फिर हम आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखाएंगे और अपने ड्राइविंग इंप्रेशंस भी शेयर करेंगे। तो एक्सटीरियर्स की बात करें तो ये ग्रिल आपको काफ़ी फेमिलियर लग रही होगी और ये बोलेरो से ज़्यादा टीयूवी 300 की याद दिलाती है आपको। लेकिन आप इस एंगल से देखेंगे तो काफ़ी बोलेरो से लिए गए डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये लार्जली टीयूवी 300 पे बेस्ड कार है। जो इसके जो फ्रंट डिज़ाइन है, ग्रिल है, बम्पर हैं, वो काफ़ी मॉडर्नाइज कर दिए गए हैं। काफ़ी चौड़े और अच्छी क्वालिटी के टायर्स इसमें दिए गए हैं। क्रॉस सेक्शंस काफ़ी बड़े हैं इन टायर्स के और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को हमने इस जो सामने आपको रफ टेरेन दिख रहा है, ट्रेल दिख रही है, यहाँ पे हम ले गए थे। हमने इसको काफ़ी चैलेंजिंग से टेरेन में भी ट्राई किया, हमें काफ़ी मज़ेदार लगी है गाड़ी चलाने में। और देख सकते हैं साइड से कुछ इस तरह की दिखती है। जो टेल लैम्प क्लस्टर है काफ़ी चंकी सा है और ये रियर है, बड़ा बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है, बड़ा ही डेलिब्रेटली इसको थोड़ा बुच अपील देने के लिए बॉक्सी डिज़ाइन रखा गया है। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, बोलेरो की बैजिंग है इस पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे फुटपैग्स दिए गए हैं, साइड में भी फुटपैग्स दिए गए हैं। तो गाड़ी पे आपको फुटबोर्ड पूरा है, मतलब साइड में, तो आपको गाड़ी में चढ़ने उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक 7 सीटर है, तो मैं अभी आपको इसके इंटीरियर्स दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से इसकी सारी सीट्स दिखाऊंगा। गाड़ी देखने में कैसी है, आगे से काफ़ी अच्छी है, साइड से काफ़ी प्लेन वनीला है, पीछे से मुझे काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगी। तो डिज़ाइन जो है वो महिंद्रा ने अच्छा रखा है बोलेरो नियो का। तो चलिए अब आपको इसके अंदर लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट रो के साथ। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे दरवाजे को, आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन दिख रहा है, बेज कलर थीम है। और यहाँ पे कोई भी ड्राइवर साइड कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे, जो थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि वो सारे मूव कर दिए गए हैं इधर गियर लीवर के पीछे। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसपे क्योंकि ये हायर एंड वेरिएंट है तो आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। और यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल हैं इसमें। यहाँ पे आपको दो डायल्स दिखेंगे, एक तो स्पीडो डायल है और दूसरा टैकोमीटर डायल है। और बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ 7 इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। ये AC वेंट है और डिज़ाइन अंदर से काफ़ी मॉडर्न रखा गया है। और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे गियर नॉब के आगे की तरफ आपको ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं, कभी होल्स हैं और यहाँ भी स्पेसेस हैं। और यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। और ये जो आप सीट्स देख रहे हैं इसके साथ में इंडिविजुअल आर्मरेस्ट दिए गए हैं, जो कि चेयर स्टाइल हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट्स की कुशनिंग अच्छी है, थोड़ी फर्म है, लेकिन सीट का साइज़ जो है वो अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा देता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। और जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट एडजस्टेबल है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। और यहाँ आपको कुछ कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं इको मोड के और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मोड के। और जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए बीम लेवलिंग, तो उन सब के फंक्शंस यहाँ दिए गए हैं। तो फ्रंट इसका काफ़ी मॉडर्न और अच्छा दिखाया गया है। प्लास्टिक्स थोड़े हार्ड हैं, प्लास्टिक क्वालिटी उतनी ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होती है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है। गाड़ी की ऊँचाई अच्छी खासी है तो आपको काफ़ी स्पेशियस फील कराती है। अब मिडल रो में चलें तो यहाँ भी आपको काफ़ी सिंपल प्लेन वनीला डिज़ाइन मिलेगा। और आप नोटिस करेंगे फ्रंट डोर में भी यहाँ पे डोर पॉकेट्स हैं, रियर डोर में भी डोर पॉकेट्स हैं। यहाँ पे फुटबोर्ड हैं आपको आसानी से ऊपर चढ़ने के लिए। और इसका जो मिडल सीट है वो बेंच स्टाइल है। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है सीट की। अगर आप यहाँ से
कॉर्नर से यहाँ तक की लेंथ देखेंगे तो नॉर्मल इस सेगमेंट की गाड़ियों से बड़ी है, ताकि आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट और अच्छा कंफर्ट मिले। और इसकी जो विड्थ है वो तीन लोगों को कैरी करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। ज़्यादातर फाइव सीटर कार्स में पीछे की सीट थोड़ी सी क्रैम्ड होती है, इसकी मुझे उतनी क्रैम्ड नहीं लग रही है। बीच में एक आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे कप होल्डर्स नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आपको यहाँ पे कप होल्डर का एक्सेस है मिडल रो से, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और केबिन लैम्प्स की बात करें तो यहाँ आगे केबिन लैम्प्स दिए गए हैं और लास्ट रो में यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल्स जिसको बोलते हैं। और डिज़ाइन थीम और जो कलर थीम है आपने देखी ली, अब आपको लास्ट रो में लिए चलते हैं, जो कि एक्चुअल में बूट ही है, लेकिन वहाँ पे दो सीट्स अलग से लगा दी गई हैं। बूट खोलने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल दिया गया है और ये इस तरह से साइड ओपनिंग डोर है, तो अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो आप गाड़ी को इस तरीके से पार्क कीजिए कि पीछे सफिशिएंट स्पेस हो खोलने के लिए। अगर आपने इसको टाइट स्पेस में पार्क कर दिया तो आप दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खोल पाएंगे। पीछे ये दो फोल्डिंग स्टाइल सीट्स दी गई हैं, जिन्हें अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप इस तरीके से फोल्ड करके, और ये जो मैकेनिज्म है इस तरीके से बंद हो जाता है, तो एक साइड की सीट खुली हुई है और एक साइड की बंद है, आप देख पा रहे होंगे। बूट स्पेस यहाँ अच्छा खासा है अगर आप सीट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीट्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका बूट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ सीट बैक पॉकेट भी दी गई है, यहाँ पे स्प्लिट सीट का अरेंजमेंट नहीं दिया गया है, तो या तो आप पूरा बेंच फोल्ड करेंगे या पूरा ऊपर रहेगा, तो इस तरीके से है। तो पीछे अगर चाहें तो यहाँ पे दो एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं। सीट्स का साइज़ जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन ये बहुत हेफ्टी या बड़े साइज़ के एडल्ट्स के लिए नहीं है। यहाँ बच्चे बैठेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे, बट फिर वही बात है कि साइड फेसिंग सीट्स हैं, उतनी कंफर्टेबल शायद बहुत लंबी जर्नीज के लिए ना हो, तो आप उस हिसाब से अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कीजिए कि आप इसको सेवन सीटर कंसिडर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ये सब 4 मीटर गाड़ी है, उसके साथ भी आपको ये 7 सीट का ऑप्शन देती है, आप चाहें तो इसमें पीछे 2 बच्चों को बिठाया जा सकता है, लेकिन लगेज है तो फिर दिक्कत होगी। और आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग हाइट कितनी ऊँची है कि यहाँ से भी आपको केबिन इतना स्पेशियस दिख रहा है, तो ये गलत नहीं होगा कहना कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो अब चलिए ड्राइवर सीट पे चलते हैं, थोड़ा ड्राइविंग इंप्रेशंस की बात करते हैं और इस गाड़ी की मुझे क्वालिटी कैसी लगी उस बारे में भी बात करते हैं। तो आइए मैं आपको अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। हम बैठे हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर और कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लिया है, शीशे रोल डाउन है, बाहर से थोड़ी सी आपको इंजन की आवाज़ आ रही होगी। और पहली चीज़ जो मैं यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, शायद आप कैमरा पे देख पा रहे होंगे, ये जो गियर नॉब है इसमें आपको वाइब्रेशन दिख रहा होगा। मैंने इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, जो कि मॉडर्न SUVs हैं, उसमें इस तरह के वाइब्रेशन नहीं देखे हैं। आपको ये महिंद्रा की कुछ गाड़ियों में शायद ये वाइब्रेशन आपको फ़ील होगा। मैं इस पर हाथ रख रहा हूँ तो अच्छा खासा इसमें वाइब्रेशन मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने नॉइज़ बड़ा अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। और अगर मैं खड़ी गाड़ी में एक्सेलरेटर पैडल दबाता हूँ और इंजन को रेव करने की कोशिश करता हूँ, तो इंटरेस्टिंगली ये 3000 RPM से आगे नहीं बढ़ाने देता है, जो कि बहुत ही स्मार्ट फीचर है कि खड़ी गाड़ी में अगर कोई रेव करेगा और इसको हाई स्पीड पर लॉन्च करने की कोशिश करेगा तो ये 3000 RPM पर लिमिट कर देता है, फ्यूल इकोनॉमी के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी। दूसरा, ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो ये टेक्निकली आप देखा जाए तो 7 इंच का है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, जो टच स्क्रीन की क्वालिटी है, वो काफ़ी मॉडरेटली गुड है, मैं इसको एक्सीलेंट क्वालिटी नहीं कहूँगा। फिट एंड फिनिश मटेरियल्स की अच्छी है, सॉलिड रोबस्ट है, बट बहुत प्रीमियम फील नहीं देती है। गाड़ी आपको बहुत स्पेस देती है और बहुत अच्छा कम्फर्ट देती है। और ये जो आर्मरेस्ट हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बॉदर कर रही है कि इसमें थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होता है गियर नॉब पे, बट अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे और आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गियर नहीं बदल रहे तो आपको ये चीज़ फील नहीं होगी। और आप महिंद्रा यूज़र हैं और यूज़ करते हैं तो शायद आपको ऑलरेडी आदत होगी। अगर आप प्रीमियम SUV कस्टमर हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं कि इसको एक SUV ऑल्टरनेट की तरह से, तो ये थोड़े से आपको वर्क्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ये MID दिखता है। और अब चलिए बात करते हैं इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स की। ये गाड़ी जो है बहुत ही केपेबल ऑफ रोडर या सॉफ्ट रोडर है, आप इसको ख़राब टूटी रोड्स पे बहुत आराम से ले जा सकते हैं। इसमें खास एक नया फीचर दिया गया है जिसको मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल या MLD कहते हैं। ये एक रियर व्हील ड्राइव है जो कि आपको इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता है, तो जहाँ पे ड्यू है इसका जो क्रेडिट, वो मैं आप इसको दे रहा हूँ गाड़ी को, कि इसमें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है आपको, जो कि रियर व्हील्स को पावर करता है मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ।
अगर ये गाड़ी कहीं रफ टेरेन में फंस जाती है और इसका पीछे का एक टायर जमीन से ऊपर उठ जाता है, तो जो दूसरा टायर है उसमें फुल ट्रैक्शन मिलके वो आपकी गाड़ी को वहां से पुश कर देगा और खराब रोड से निकाल देगा। अगर आप कीचड़ में फंस जाते हैं, गड्ढे में फंस जाते हैं, तो ऐसे सिनेरियोज में आपको ये बाहर निकलने में बहुत मदद करेगी। इंजन में बहुत जबरदस्त टॉर्क है, चलाने में बहुत मजेदार है। हाई स्पीड, जो टॉप स्पीड है वो शायद इतनी हाई ना हो क्योंकि 100 bhp का इंजन है, लेकिन मैं फेयरली कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपको परफॉर्मेंस की शायद कमी इस गाड़ी में महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसका इंजन जो है वो काफ़ी पंची है। फ्यूल इकोनॉमी कंपनी कुछ 16-17 शायद क्लेम कर रही है, आप प्रैक्टिकल यूजेज में मान के चलिए कि आपको 14-15 के आसपास की माइलेज इसमें मिल जानी चाहिए डीजल पे। और गाड़ी चलाने में कैसी है, सस्पेंशन इसका बहुत टफ रखा गया है, खराब रोड्स के हिसाब से रखा गया है, तो उसका एक थोड़ा साइड इफेक्ट ही रहता है क्योंकि गाड़ी ऊंची है, सस्पेंशन टफ है, तो जब आप चलाते हैं इसको खराब रोड पे तो आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होता है, लेकिन सस्पेंशन इतना सॉफ्ट नहीं है कि आपकी नॉर्मल रोड पे चलते हुए आपको बॉडी रोल फील कराए। आपको थोड़े बहुत झटके इसमें महसूस होंगे, बट उसका पॉजिटिव साइड यह है कि सस्पेंशन आपको बहुत ज़्यादा खराब रोड्स में और बहुत खराब सिचुएशन में आप इसको आराम से और स्पीड पे कॉन्फिडेंस से चला सकते हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे इसकी ठीक लगी, तो मुझे ओवरऑल गाड़ी पसंद आई, लेकिन ये प्रीमियम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर सीकिंग है, उनके लिए बहुत शानदार गाड़ी है। अगर आप ऑफ रोडिंग, माइल्ड ऑफ रोडिंग या फिर कभी कभार ओकेजनली खराब रोड्स पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको इस गाड़ी को चलाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंजन अच्छा है और इसके दरवाजे बहुत हैवी हैं, बॉडी बहुत हैवी है, बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है, और सेफ्टी आपका कंसर्न है तो आप बेफिक्र होके इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। इस सब 4 meter की स्मॉल SUV सेगमेंट में ये प्रॉबेबली सबसे सेफ गाड़ियों में से एक होगी स्ट्रक्चरली। हो सकता है इसमें सेफ्टी फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा फैंसी गाड़ियों जितने ना मिले, बट इसमें बेसिक सेफ्टी फीचर्स सब हैं। इसमें मल्टीपल आपको टेरेन मोड्स भी मिल जाते हैं, और कुछ अगर मैं बात करूँ कि इनोवेशंस की, तो महिंद्रा कुछ ना कुछ एफिशिएंसी से रिलेटेड इनोवेशंस करता रहता है, तो इन्होंने AC में एक स्पेशल मोड दिया है जिसका नाम है AC इको। तो आप AC इको मोड पे चलाएंगे तो AC चलता रहेगा लेकिन फ्यूल कम कंज्यूम करेगा, थोड़ा सा वो इकोनॉमिकल मोड में आपका काम करेगा। इसमें आप 5 लोग बहुत कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, पीछे 2 बच्चे एडिशनली बैठ सकते हैं, तो 7 seater ये बन जाती है। इसके अलावा आपको अच्छा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी दे देती है, रियर व्हील ड्राइव दे देती है, मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल दे देती है, खूब सारा स्पेस दे देती है, और इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो 10 lakh के नीचे नीचे ही रखी गई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है ये अगर आप एग्जिस्टिंग महिंद्रा कस्टमर हैं और महिंद्रा प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बट आप इसको प्रीमियम SUV से कंपेयर ना करें तो आप बेहतर होगा, क्योंकि एक प्रीमियम SUV नहीं, ये एक रफ एंड टफ SUV है उन लोगों के लिए जो थोड़ा रफ एंड टफ यूजेज के लिए एक छोटी SUV ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत वेल सूटेड कार है, वेल सूटेड SUV है। आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट में बताइए। तो ये थे हमारे विचार बोलेरो नियो के बारे में, आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।